चोई ताई थाउ रोए। दोस्तों, हमारे आसपास की जगह एक से एक अजूबों से भरी पड़ी है। खासकर समुद्र के भीतर की दुनिया आज भी हमारे लिए काफी रहस्यमयी है। आपको बता दें कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले बहुत से जीवों के बारे में हमें खास जानकारी है ही नहीं, और हाँ, जितनी भी है वो काफी चौंकाने वाली है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा समुद्री जीव है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह पाता है, लेकिन ये साइंस के मूल नियम के खिलाफ लगता है। आज हम आपको एक ऐसे समुद्री जीव के बारे में बताएंगे जो पानी में खुद को पारदर्शी बना लेता है। दिखने में ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों, आखिर कैसे दिखते हैं ये पारदर्शी जीव, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सी सेल्फ अमेरिका के समुन्द्र में पाए जाने वाले जानवर बैरल जैसे होते हैं, और इनकी सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये होती है कि इन जानवरों का सर छोड़कर बाकी पूरी बॉडी एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, और इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि किसी ऑरेंज कलर के ढक्कन वाली बोतल को आप देख रहे हो। और दोस्तों, ये अक्सर अपनी जगह पर अलग अलग तरह की शेप बनाकर रहते हैं, जिसमें चैन बनाकर रहना काफी आम है। और दोस्तों, हाथ में लेने पर ये कैसे दिखते हैं ये आप देख ही सकते हैं। देखा आपने, सी एंजल। दोस्तों, ये सी एंजल पानी में उड़ने वाली तितली की तरह होती है, और दोस्तों दिखने में इनकी बॉडी इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि उससे उनकी स्किन के अंदर के पूरे ऑर्गन साफ साफ दिखाई देते हैं। और दोस्तों, इन चीजों की खास बात ये है कि ये कम्प्लीटली हार्मलेस होते हैं, और समुद्र में कम्प्लीटली हार्मलेस जानवरों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और इसी वजह से इन मछलियों का नाम भी एंजल है, ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस। दोस्तों, ये ऑक्टोपस एकदम पारदर्शी ऑक्टोपस है, जिसके बॉडी के पार्ट्स आप देख ही सकते हैं। और दोस्तों, डीप सी में पाए जाने वाला ये ऑक्टोपस इतना कम दिखाई देता है कि इसे आंखों से बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। और दोस्तों, ऑक्टोपस नाम की इस प्रजाति के आउटर बॉडी इतनी ज्यादा पारदर्शी होती है कि इसके थ्रू इसकी आंखों को और इसके ब्रेन को भी आप आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, भले ही इसे 2006 में खोजा गया हो, लेकिन इसके बारे में आज भी रिसर्च की जा रही है, लेकिन फिर भी रिसर्च में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। साइनोगैस्टर नॉक्टिवागा। दोस्तों, करोड़ों में पाए जाने वाली ये मछली एक ऐसी मछलियों में से एक है जो एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। और दोस्तों, इस मछली को इसकी पारदर्शी बॉडी और उसमें हाइलाइटेड इसके ब्लूबेरी की वजह से जाने जाते हैं। और हाँ, इस मछली का बस एक ही भाग विजिबल होता है, और बाकी भाग पानी के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों, ये मछली कितनी अद्भुत है आप देख ही सकते हैं। स्नेल विथ ट्रांसपेरेंट शेल। दोस्तों, स्नेल तो आपने बहुत से देखे होंगे, और ये अपने शंख में रहा करते हैं और बहुत धीरे धीरे चलने वाले जानवर होते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस स्नेल को उनके शेल से बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएगी। लेकिन आखिर इन स्नेल के अंदर होता क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं आपको। अब जरा इस ट्रांसपेरेंट शेल को देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये स्नेल एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इनके शेल के अंदर क्या क्या दिखता है आप अपने सामने आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों, ये स्नेल एक गुफा में मात्र एक पाई गई थी, जिसकी वजह से ये इतने रेयर हैं कि इसकी ज्यादा फोटो और वीडियोस अवेलेबल नहीं है। और सच में ऐसी स्नेल भी होगी किसी ने सोचा नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट फ्रॉग। दोस्तों, पारदर्शी मेंढक की त्वचा में कलर पिगमेंट नहीं होते हैं, जिस कारण इनकी त्वचा कांच के समान पारदर्शी होती है। कई बार तो ये इतने ज्यादा पारदर्शी होते हैं कि उसमें से मेंढक के दिल, जिगर, इंस्टेस्टाइन, हड्डी, नस इत्यादि भी काफी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसीलिए इनको कांच का मेंढक या ग्लास फ्रॉग भी कहा जाता है। सामान्य ज्ञान की त्वचा शरीर के निचले भाग अर्थात पेट के हिस्से में ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, और ऊपरी हरा, पीला या अन्य रंग का भी हो सकता है। पारदर्शी मेंढक छोटे आकार में होते हैं, जिनकी लंबाई 3 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि पारदर्शी मेंढक की आंखें सामान्य मेंढक की तुलना में सामने की ओर होती हैं। ये मेंढक पानी, जल और पेड़ों पर भी सामान्य रूप से पाए जाते हैं। और हाँ, इनका पारदर्शी रंग एक छलावरण का मदद करता है, जो कि शिकारियों की नजर से उनको छुपने में मदद करता है। इनके शिकारियों में पंछी, सांप और बड़े जलीय जीव होते हैं। यूरोपियन इल।
दोस्तों यूरोपियन इल की कई प्रजातियां ऐसी हैं जो पारदर्शी होती हैं और दोस्तों पानी के भीतर इनको देख पाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे हाँ, ये ग्लास इल जिंदगी भर पारदर्शी नहीं होते हैं बल्कि इनकी लाइफ की एक स्टेज होती है जिसे एल्व स्टेज भी कहा जाता है। और अगर आप इसे खरीदना चाहोगे तो आपको बता दें कि ये बहुत ज्यादा महंगी होती है। दोस्तों एक ऐसी इल लगभग 50,000 से 1,00,000 रुपए जितनी महंगी आती है। ग्लास विंग बटरफ्लाई। दोस्तों तितलियों की एक ऐसी प्रजाति भी है जिसके पंख बिल्कुल ही पारदर्शी होते हैं और दोस्तों सेंट्रल अमेरिका के हर जगह पर पाई जाने वाली ये तितली जब किसी फूल पर बैठती है ना तो इसके शिकारियों को लगता है कि ये किसी तरह का फूल ही होगा और अभी भी आपको ये किसी तरह की एडिट बटरफ्लाई ही लग रही होगी, है ना। लेकिन दोस्तों ये रियल है। जी हाँ, रियल है ये। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बहुत ही ज्यादा जहरीली भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पशु या पक्षी इसे अपना शिकार बनाने की कोशिश भी करेगा तो वो कुछ ही देर के बाद में मर जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीली होती है। सर्जन फिश। दोस्तों समुद्र में पाई जाने वाली ये मछली समुद्र के काई पर पाई जाती है और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी मछली का नाम सर्जन फिश क्यों पड़ा? आपको बता दें कि इस फिश के बैक और स्पाइन में पाए जाने वाले फिन्स इतने ज्यादा धारदार होते हैं कि ये आसानी से किसी की भी स्किन को काट सकते हैं और अल्टीमेटली ये आपको कितने भी प्यारे क्यों ना लगे लेकिन इसे अपने हाथों में लेने की गलती कभी मत करना। तो क्यों दोस्तों, इन पारदर्शी सी क्रिएचर्स में से आपको कौन सा क्रिएचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।